हालात हम छीन देंगे, हम इंडियन आर्मी के जवान है। मैं कालाकोट से हूँ विक्रम शर्मा, हालात हमारे बुलंद है। खिता पीर पंजाल की वादियों में ताज़ा बर्फबारी के बाद यहां पर टूरिस्ट का आना बदस्तूर जारी है। इस वक्त मैं राजौरी ज़िला के देरा की गली के मुकाम पर मौजूद हूं और आप मेरे पीछे ये तस्वीरें देख सकते हैं, कितना खूबसूरत दृश्य है, कितना खूबसूरत दृश्य है। और ये सफ़ेद चादर से लिपटे हुए आप ये देखें, ये लोग इस वक्त दूर दूर से राजौरी पहुंचे हैं, अलग अलग स्टेट से हैं। यूपी सौरभ यादव, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ा मजा आ रहा है, चार महीने से इंतजार कर रहे थे हम यहाँ आरडीडीएस प्रोजेक्ट, हाँ राजौरी में काम कर रहे थे ठेकेदारी का, आज हमें बर्फ देखने का मौका मिला हुआ है। ये हमारे भाई साहब हैं, आपसे जानना चाहेंगे कितना अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पर आने का? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कश्मीर भारत के सिर का ताज है, कश्मीर को पीछे मार रहा है, कश्मीर हमेशा भारत के सिर का ताज रहा है। मेरे साथ मेरे 22 आदमी घूमने इसलिए आए हैं क्योंकि पिछले चार दिन से हम पर चार महीने से हम सलोम फॉल का इंतजार कर रहे हैं, वो आज हमें मौका मिला है। हाँ जी, क्या कह रहे बुजुर्ग आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मैं लोकल हूँ राजौरी का, मैं लोकल हूँ जवानगर का, मैं लोकल हूँ, बाहर सभी जगह घूम के आया हूँ मगर ऐसा नजारा कहीं नहीं मिला। जो मेरा स्टाफ है बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हिमाचल का और यूपी बिहार से और सभी जगह से बहुत खुश है हमारे पीएम साहब। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हिमाचल से यहाँ पर आए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? सर हिमाचल में तो बहुत टूरिस्ट आते हैं, बहुत सब कुछ है, तो मैं चाह रहा हूँ कि जम्मू में जो अपना कश्मीर में जो टूरिस्ट कम हो रहा है या कुछ है, आना चाहिए, हमें देखना चाहिए। हम भी लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, कोई ऐसा माहौल नहीं है, बढ़िया माहौल है, अपना आइए और घूमिए। जो लोग ये कहते हैं कि इन वादियों में हालात खराब हैं, यहाँ पर अमन शांति नहीं है, उन लोगों के लिए क्या पैगाम? वो सब कुछ नहीं है, वो सब वैसा कुछ नहीं है, वो कुछ जो है अफवाह वगैरह रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग आए हैं यूपी से, हमारे और लोग हैं, हम उत्तराखंड से, अलग अलग स्टेट से हम लोग यहाँ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हम लोग ये तो काम कर रहे हैं, ऐसा कहीं कोई वो नहीं है। अगर होता है, अगर कुछ अच्छा होता तो हम लोग क्यों काम करने आते हैं? हम लोग काम कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, कोई ऐसा कुछ नहीं, 2 साल हो चुके हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? हालात कैसे, ठीक है? बिल्कुल इंडियन आर्मी, हालात हम छीन देंगे, हम इंडियन आर्मी के जवान है। मैं कालाकोट से हूँ विक्रम शर्मा, हालात हमारे बुलंद है। आप देख सकते हैं तो आपने देखा किस तरह ये तस्वीरें जो हैं, ये दृश्य आप देख सकते हैं, यहाँ पर लोग पिछले कुछ एक दिनों से लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और ये ताज़ा तरीन जो बर्फबारी यहाँ पर हुई है इसका भरपूर आनंद ले रहे हैं। हालांकि इन लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि प्रशासन की ओर से यहाँ पर कुछ और डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स को चलाया जाए ताकि इस इलाके में तरक्की और ज़्यादा हो सके, टूरिस्ट का आना और ज़्यादा बढ़े और यहाँ पर जो केबल कार भी आने वाले दिनों में लगने जा रही है, इस इलाके के लोगों के लिए एक बड़ी बात है। ये मोदी सरकार की सौगात, इस इलाके में जो केबल कार लगने जा रही है जिसकी अनाउंसमेंट भी हो चुकी है, लेकिन इन लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि कश्मीर गुलमर्ग, सोनमर्ग, बेताब वैली और भद्रवाह जैसी हसीन वादियों से ये इलाका कम नहीं है। लोगों ने साफ तौर पर ये कहा है कि हम यहाँ पर कुछ बताना चाहेंगे, भरपूर तरीके से ये लोग आनंद ले रहे हैं। आप केंद्र सरकार को क्या कहना चाहेंगे? केंद्र सरकार ने यहाँ पर इंडिया के कम से कम 1/6% प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर को दिया है जिसमें काम हो रहे हैं। 120 करोड़ का राजौरी को प्रोजेक्ट दिया है जिसमें कितने जिले हैं उसमें 800 करोड़ के प्रोजेक्ट दे रखे हैं जम्मू कश्मीर को, मतलब जम्मू कश्मीर तरक्की की राहों पर है। बिल्कुल, जैसे ये लोग इस वक्त बैरूनी रियासतों से हैं जिनका साफ तौर पर ही कहना है कि जम्मू कश्मीर इस वक्त प्रगति की राह पर है,
और जो एजेंसियां यहां पर काम कर रही हैं पूरी निष्ठा के साथ काम कर रही हैं, आज ये जो दृश्य है ये ताज़ा तरीन बर्फबारी इन हसीन वादियों में आप देख सकते हैं सामने के दृश्य, कितना खूबसूरत ये इलाका है। लेकिन टूरिज्म महकमा, रजौरी डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से इस तरफ कोई खास तवज्जो नहीं दी है। ऐसे फॉर्चूनर गाड़ी भी खड़ी होती है जैसे हमारी वादी खड़ी है। क्या बात है, क्या बात है। तो आप देख सकते हैं ये दृश्य इस वक्त ये ताज़ा तरीन बर्फबारी हुई है, लेकिन इन लोगों का साफ तौर पर ये मानना है कि टूरिज्म महकमा की तरफ से इस तरफ कोई खास ध्यान नहीं दिया जा रहा है। स्ट्रेट लाइन के लिए मैं रजौरी से एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ आजाद। खबर को साथ साथ शेयर करते जाएं और लोगों को भी बताएं कि किस तरीके से यहाँ पे एंजॉय हो रहा है। वही मैं बात करूँ इन पहाड़ों की तो आप पहाड़ देख सकते हैं। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आते हैं, कितना एंजॉय करते हैं।